गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हैं, सब हैप्पी है। बस हम भी भगवान की दया से हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो बारिश बहुत है, सुबह काम तो सारे हो गए थे, टिफिन भी बना लिया था। तो बस इन लोगों का मेल आ गया आशीष का, ये वर्क फ्रॉम होम है। मैं मंदिर जाके आ गई, मेरी पूजा अच्छे से हो गई, तो आज इन लोग का वर्क फ्रॉम होम है। दिखाती हूँ, आशीष सो गया, नाश्ता किया है, नहाया और सो गया है। तो बोलता मम्मी जब लॉग इन करना हो मुझे उठा देना 10:30-11 बजे। ठीक है, ऊपर उठा दूँगी, सो जाए। बताती उसको सोते हुए, ऐसे वो आता नहीं कैमरे में, मना करता है मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। चुपके चुपके से लेती हूँ उसको, आज दिखाती हूँ सोया हुआ। नहा धो के नाश्ता करके सो गया है। उसका टिफिन भी निकाल दूँ, टिफिन में पैक कर दिया था बैग में से निकालते। टिफिन पैक हो गया था, बस जाने की तैयारी कर दी, पूरा रेडी भी हो गया था वो। बस इतने में फ़ोन आ गया कि वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन अच्छा हो गया वर्क फ्रॉम होम है। तो क्या बारिश बहुत है ना, इसके लिए अच्छा है एक तरह से, टेंशन नहीं, फिर उतना दूर जाता है, लोकल ट्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक अच्छा हो गया कोविड से कि एक वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। तो मैं बोली अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। मैं बोली चलो वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि बारिश बहुत है, फिर यहाँ लोकल का प्रॉब्लम हो जाता है, धीरे धीरे चलता है, पानी भर जाता है, फिर हमें भी चिंता हो जाती है। तो फिर बोली चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो मतलब मम्मी फिर अभी मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ फिर से। बोले अच्छा ठीक है, सो जा, मैं उठा दूँगी। तभी वो सो रहा आराम से, तो मैं अभी चाय पी लेती हूँ। तो चलिए जो भी रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और थैंक यू सो मच रिंकू जी, इतना अच्छा मैसेज करने के लिए मुझे। तो अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा आपने मुझे मैसेज किया। तो बस अच्छा लगता है, भले हम एक दूसरे को देख नहीं रहे, लेकिन मैसेज से भी ऐसे लग रहा है कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग तो मुझे देखते हो, लेकिन आप लोग के थ्रू मैं मैसेज से ही आप लोगों को मैं जान पा रही हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, उनके लिए सबको तहे दिल से थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो पहले चाय बना लेते हैं। कितने का है झूला? क्या बात है, मस्त है लेकिन झूला। जन्माष्टमी के लिए बहुत जल्दी लेकिन तैयारी हो गई। कान्हा जी के ड्रेस सब जैसे मस्त मस्त सुंदर सुंदर ड्रेस, मुकुट। आज मार्केट गई थी फ्रेंड्स, बस अभी मार्केट से आई हूँ, सब सामान वगैरह सब लेकर आई हूँ, सब्जी वगैरह। कल एकादशी है ना, तो एकादशी के लिए गजरा, छुट्टे फूल और थोड़ा कुछ घर का राशन है वो सब लेकर आई हूँ, और अगरबत्ती वगैरह सब लेके आई हूँ। कल एकादशी है ना, 11 तो अधिक मास का, तो उपवास वगैरह तो रहता ही है, उसकी पूजा वूजा के लिए फूल वूल लेके आई हूँ। तो अभी बस सब डिनर की तैयारी करते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा पिज़्ज़ा बनाऊंगी और थोड़े से नूडल्स, तो थोड़ा थोड़ा दोनों आइटम हो जाएगा। तो अभी उसकी तैयारी है, तो चलिए डिनर बनाते हैं। क्या वायर में मिस्टेक है, किस में मिस्टेक है? बटन में मिस्टेक है, कोई चार्ज करते तो चार्ज ही नहीं होता है। आशीष हो गया क्या आपका? पिज्जा बना लिया फ्रेंड्स, नूडल्स भी तैयार हैं और पिज्जा भी तैयार है। चलिए हम डिनर एंजॉय करते हैं। चलिए कल मिलते हैं।